कलयुग में मासूम बनी श्रवण कुमार, 2 महीने से घर में नहीं है खाना, अस्पताल में मां का करा रही इलाज, मदद की दरकार। ताज नगरी आगरा के जिला अस्पताल में आज कल मासूम 9 साल की बेटी का नाम हर किसी की जुबान पर है। जिस उम्र में बच्चे अपने हाथों से ठीक से खाना नहीं खा पाते हैं, उस उम्र में मासूम अपनी मां का जीवन बचाने के लिए जी जान से जुटी हुई है। घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है, पर मासूम अपने छोटे भाई को पालने के साथ अपनी और भाई की पढ़ाई का भी ख्याल रख रही है। बच्ची की पूरा अस्पताल मदद करने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि आगरा के रावली क्षेत्र की मोर गली में रहने वाली 32 साल की कैला देवी प्रजापति को न्यूरो रीढ़ की हड्डी में दिक्कत और खून की कमी जैसी बीमारी है। उसका पति उसके बीमार होने पर कई वर्ष पहले छोड़कर चला गया। उसके बाद कैला देवी किराए के मकान में रहती है और वहीं सड़क पर ठेल लगाकर जैसे तैसे 9 साल की बेटी प्रीता प्रजापति और 7 साल के सत्यम का पालन पोषण कर रही थी। 2 माह से कैला देवी की तबीयत अधिक खराब हो गई और ठेल बंद हो गई। अंगूठा लगाने जा नहीं सकी तो सरकारी राशन भी नहीं मिला। इसके बाद भूख के चलते मासूम प्रीता को खाना बनाना आ गया। 2 माह से प्रीता घर का सारा काम संभाल रही है। इसके साथ ही अपनी 4थी क्लास की पढ़ाई और भाई की 1ली क्लास की पढ़ाई भी करवा रही है। 1 सप्ताह पहले जब माँ की हालत बहुत बिगड़ गई तो प्रीता छोटे भाई सत्यम के साथ माँ को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गई। मासूम की गुहार पर अस्पताल के स्टाफ ने खून की व्यवस्था की और आर्थिक मदद भी की है। बच्ची की मदद को आगरा बजरंग दल के जिला विद्यार्थी प्रमुख आर के इदोलिया व नमित चौहान भी आगे आए और रक्तदान कर बच्ची की मदद की। साथ ही उन्होंने मदद का वादा भी करा, साथ ही समाज सेवियों से भी इस परिवार की मदद करने का निवेदन करा है। आपको बता दें, अभी मासूम को राशन और इलाज के लिए धन की जरूरत है। CMS अशोक अग्रवाल ने बताया कि महिला काफी बीमार है, हमने खुद व्यवस्था करके उसको खून चढ़वाया है, आयरन की बोतल चढ़वाई जा रही है और बाकी इलाज का पूरा ख्याल रखा जा रहा। अच्छा ये बताओ, मम्मी का इलाज करवा गई हो, पैसे हैं तुम्हारे पास? तो खाना वाना घर पे खाना वाना है? क्या उम्र है तुम्हारी, किस क्लास में पढ़ती हो? अच्छा, और तुम्हारा छोटा भाई, उसका क्या नाम? अच्छा, कैसे खर्चा चल रहा है? कैसे नहीं है आपका? कैला देवी, ये बच्चे आपका इलाज करवा गए हैं, कोई है नहीं क्या आपका? सर सब पीछे हट गया मेरे बीमारी से। अच्छा जी, तो अब डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने पहले मैंने इलाज करवाया था इमरजेंसी में, वहाँ पे मेरी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है और दिमागी नसों का गुच्छा बताया था, दोनों का ऑपरेशन बता दिया है, तो किसी ने कराया नहीं है क्योंकि कम। तब ये बच्ची बता गई थी कि घर में राशन भी नहीं है इस समय, हाँ, कैसे चल रहा है? हाँ सर, 3 बार से मैं राशन नहीं लेके आई क्योंकि बच्ची थी नहीं मेरे पास। तब खर्चा कैसे चल रहा है? अब खर्चा ऐसे ही चल रहा है सर जी। ठीक, कन्नौजिया है, मैं जिले का विद्यार्थी प्रमुख हूँ बजरंग दल से। अच्छा, ये परिवार बहुत परेशान है, क्या कुछ मदद कर गए? देखिए, हमने अभी स्टेटस पर देखा, हमारे नामित जी थे, उन्होंने अपने स्टेटस पर लगाया, हमने सोचा तुरंत ही, हमें मालूम पड़ा कि अरे किसी असहाय लोग को ये जरूरत है ब्लड की, तो हमने तुरंत सोचा एक कदम अपने किसी भाई के लिए ब्लड काम आए। और हम सबसे अनुरोध करेंगे कि किसी भी असहाय लोग को जब जरूरत पड़े ब्लड की तो सबसे आगे आए चलते।